नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। आइए फटाफट अंदाज में करते हैं खबरों की शुरुआत। चुनाव आयोग ने किया ऐलान, 29 नवंबर से पहले हो जाएंगे बिहार विधानसभा चुनाव, समय पर किया जाएगा तारीखों का ऐलान। यूडीए के संयोजक स्वयं सिन्हा ने किया ऐलान, बिहार विधानसभा चुनाव में 247 सीटों पर उतारेंगे स्वच्छ छवि वाले उम्मीदवार। शुक्रवार को भागलपुर पहुंचे यशवंत सिन्हा ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना, सृजन घोटाले को लेकर वर्तमान सरकार को जमकर लताड़ा। मॉनिटरिंग समिति की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया निर्देश, का सभी थानों में दर्ज कांडों की खुद डीजीपी करें समीक्षा। अब आसान नहीं होगी सजा राफ्ता, लालू प्रसाद यादव से मुलाकात, राजद सुप्रीमो से मुलाकात करने वालों पर मजिस्ट्रेट रखेगी नजर। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बोले कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल, महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर नहीं है कोई दिक्कत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले खेला दलित कार्ड, अनुसूचित जाति जनजाति परिवार के सदस्य की हत्या पर पीड़ित परिवार के एक सदस्य को मिलेगी नौकरी। नीतीश कुमार ने SC ST को मुख्य धारा में लाने की कही बात, का अनुसूचित जाति जनजाति के उत्थान से होगा समाज का उत्थान। बसपा प्रमुख मायावती ने नीतीश कुमार के फैसले पर दी प्रतिक्रिया, कहा SC ST के लोग बहकावे में ना आए, समय हिसाब किताब करने का है। जेडीयू में शामिल होते ही जीतन राम मांझी के बदले सुर, कहा नीतीश कुमार का मुझ पर है एहसान, इसीलिए जेडीयू से किया गठबंधन। रालोसपा ने राजद को सौंपी अपनी दावेदारी सीटों की सूची, लालू प्रसाद यादव ने मांगी थी जिताऊ उम्मीदवारों की लिस्ट। बाढ़ से नुकसान का जायजा लेने आई अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीम ने भी माना कि बिहार में बाढ़ से हुई है भारी तबाही। बिहार के सहरसा जिले के एकमात्र टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज की मान्यता रद्द, सत्र 2020-21 में नहीं होगा छात्र छात्राओं का नामांकन। सुशांत सिंह राजपूत प्रकरण में शौविक और सैमुअल मिरांडा गिरफ्तार, पटना के राजीव नगर थाने में दर्ज हुआ था केस। रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती के बीच ड्रग्स को लेकर हुई थी बात, अब रिया चक्रवर्ती तक पहुंची जांच की आंच। रिया के भाई शौविक के बहुत करीबी हैं ड्रग्स डीलर वासी परिहार, फुटबॉल खेलने के दौरान मुंबई के बांद्रा में हुई थी शौविक और ड्रग्स डीलर परिहार की मुलाकात। पूछताछ के दौरान शौविक कर सकते हैं कई अहम खुलासे, जल्द ही उठ सकता है सुशांत के मौत के रहस्य से पर्दा। मुजफ्फरपुर के सकरा रामपुर बखरी गांव में खौफनाक वारदात, जमीन विवाद को लेकर पति पत्नी ने मिलकर युवती को जिंदा जलाया। केरोसिन छिड़ककर पति पत्नी ने 19 वर्षीय सूफिया परवीन को किया आग के हवाले, युवती की मौके पर हुई मौत, घटना के बाद इलाके में फैली सनसनी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। शुक्रवार को भागलपुर के DIG सुजीत कुमार ने रेंज के तीनों पुलिस कप्तान के साथ की बैठक, विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने को लेकर हुई चर्चा। चुनाव को प्रभावित करने वालों को किया जाएगा सलाखों के पीछे, जेल से छूटे बदमाशों पर भी रखी जा रही है नजर। भागलपुर में नहीं थम रहा है कोरोना का कहर, शुक्रवार को जिले में मिले नए 91 कोरोना के मरीज, जिले में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 5873। शुक्रवार को शहर में मिले 8 नए कोरोना के मरीज, पति पत्नी सहित पुलिस जवान संक्रमित। मायागंज अस्पताल में कोरोना से मरने वालों का सिलसिला जारी, गुरुवार को ततारपुर की महिला की हुई मौत। शहर में मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ पुलिस हुई सख्त, बिना मास्क और हेलमेट के नहीं निकले घर से बाहर। बहरहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए सिल्क टीवी। अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए सिल्क टीवी को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए और Facebook पर पेज को फॉलो जरूर करें।